नमस्कार किसान भाइयों, पटेल एग्रीकल्चर चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। वीडियो को शुरू करने से पहले जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो के नीचे दिए गए लाल वाले सब्सक्राइब बटन को दबा दें और बाजू के बेल आइकन को ऑल पे कर हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले पाएं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो में सिंजेंटा कंपनी के एक नए प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। यह प्रोडक्ट सिंजेंटा कंपनी ने अभी लॉन्च किया है। तो यह प्रोडक्ट का नाम है कवच फ्लो फंगीसाइड। तो आज हम इस फंगीसाइड की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे किसान भाई, कि क्या इसका डोज छिड़काव है, किस फसलों पर अपन इसका छिड़काव कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये जो फंगीसाइड है, ये काम कुछ ऐसे करता है कि ये फंगस के जर्मिनेशन को ही रोक देता है। फंगस इसमें होता ही नहीं है, मतलब इसका अपन पहले फंगस के पहले भी इसका छिड़काव कर सकते हैं, फंगस आने के पहले भी इसका छिड़काव किया जा सकता है और फंगस आने के बाद भी। अब ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा अगर फंगस हो गई उसके बाद अगर आप इसका छिड़काव कर रहे हैं तो उतना अच्छा रिजल्ट, उतना बेहतर रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन आप इसका प्री और पोस्ट में दोनों में इसका उपयोग कर सकते हैं। तो हम बात कर लेते हैं इसके टेक्निकल के बारे में। तो उसमें दो टेक्निकल का कॉम्बिनेशन है किसान भाइयों। पहला है क्लोरोथेलोनिल 40% और दूसरा डाइफेनोकोनाजोल 4%, जो कि एसी फॉर्म में आता है, लिक्विड गाढ़ी फॉर्म में आता है। और हम अगर बात करते हैं फंगस किन किन फंगस को यह कंट्रोल करता है, तो ये काफ़ी सारी फंगस को कंट्रोल कर सकता है। जैसे कि इसमें दो प्रकार का टेक्निकल कॉम्बिनेशन है किसान भाइयों, जैसे कि लीफ स्पॉट रस्ट, पाउडरी मेल्ड्यूड रस्ट, एप्पल स्कैब, सेव फल में जो स्कैब होता है, ब्लाइट, डाउनी मेल्ड्यूड रस्ट होती है, एक लेट ब्लाइट, सीट ब्लाइट, नेक ब्लास्ट और एंथ्रेक्नोस को भी यह आसानी से नियंत्रित करता है। काफ़ी अच्छा इस पर रिजल्ट है किसान भाइयों, इस फंगस का, इस फंगीसाइड का, इन फंगस पे बताई गई जो मैंने फंगस बताई, काफ़ी अच्छा इस पर रिजल्ट है। और अगर हम बात कर लें तो किन किन फसलों पर अपन इसका छिड़काव कर सकते हैं, तो इसका छिड़काव धान, अंगूर, मिर्च, सेवफल, अनार, सोयाबीन, तरबूज, करेला और अन्य सब्जी वर्गीय फसलों पर आप इसका छिड़काव कर सकते हैं, जिन सब्जियों पर इन फंगसों का प्रकोप है, और अन्य रबी खरीफ फसलों पर भी अपन इसका छिड़काव कर सकते हैं जो ये फंगस अगर हमारी फसलों पर है तो। और सबसे ज़रूरी बात किसान भाइयों, इसके डोज के बारे में बात कर लेते हैं हम। 15 लीटर पानी में 30 से 40 ml मिलाकर इसका छिड़काव कर सकते हैं, और प्रति एकड़ की बात करें तो 400 ml में आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। और बेहतर रिजल्ट के लिए इसमें बैटिंग एजेंट सिलिकॉन बीज चिपको मिला दें, उसके साथ इसका रिजल्ट और भी बेहतर हो जाए। और इसकी प्राइस की बात कर लें तो किसान भाई, 400 ml की पैकिंग 700 से 800 रुपये के करीब में आसानी से मिल जाएगी। तो किसान भाई, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी किसी जानकारी के साथ। धन्यवाद।